अयोब उठा एक काम बताया, देख साल गिरा का नाम लिखा, नू को ना देखा कना कर साल लिखना का में किसकी साल गिरा होती बता पढ़ा ले ना घर आए भाई सदो मेरे से पूरा मेरे साथी कलाकारों ने भाई ने सुरेंद्र ने दीपक ने बहुत सुंदर गाना आपके बीच में सुनाया है। ऐसे कोई बड़े कलाकार नहीं है, थोड़ा शौक रखते हैं इस संस्कृति के प्रति, थोड़ा लगाव है और इसी प्रेम प्यार के चक्कर में कई साल तक घूम रहे हैं फिर रहे हैं आप सभी के बीच में दर्शन करते रहते हैं। बड़ी ऐतिहासिक नगरी है, गुरु जी यहाँ बहुत आए हैं, कुछ सुनाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपने ना सुन रखा हो, बाकी एक भजन आपको सुनाते हैं जो शायद बहुत कम कानों में पड़ा हो। तू ही अलख, तू ही अनाति, तू ही ब्रह्मा, तू ही माया, तू सीता शक्ति सावित्री, तू घट घट में दर्शाया, तू ही पहाड़, तू ही समुंदर, तू ही वृक्ष, तू ही छाया, तू ही आठ मास और सांस सांस में जहां देखा वहां पाया। लक्ष्मी चंद पर दया करो, अर्जी थारा दास करे है, आता है कभी जाता प्रभु तू क्या तलाश करे। सजनो क्या है भगवान, खोजबीन बड़े बड़े विद्वान इस माथा पची में है, लेकिन प्रजियों के बोल सुनना, मेरा आपका इस पुरुष का इस मनुष्य का उस परमात्मा से संबंध बताया है। पांच तत्व छह विकार ये बुट्टा सात छाल का, तीन रसम जड़ चार सत से दो गढ़ आठ गाल का, पांच तत्व पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, छह विकार काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, सात धातु बताई है मनुष्य की, तीन रसम रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जल चार अंडज जेरस वेदिज उद्विज, दो गढ़ आठ धार का मनुष्य के शरीर में आठ अंग ऐसे हैं जो जोड़े के साथ हैं, दो आंखें हैं, नासिकाएं हैं, कान हैं, दो फेफड़े हैं, दो किडनी हैं, दो हाथ हैं, दो पांव हैं, गुप्त अंग भी हैं दो। मेरा उस परमात्मा का संबंध क्या है? सुनो, सारे ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ है वो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। ऐसा कुछ भी बाहर नहीं है इस दुनिया में जो मेरे भीतर में ना हो। थोड़ा करड़ा दिमाग करके सारे पर्दे खोल कर पर्दियों का भजन सुनना, कठिन है, बहुत कठिन भजन है, समझने में भी हंगा लगेगा। कोशिश से करी है देखा याद करने की, आपके बीच में को पेश करेंगे। क्या है भगवान और क्या हूं मैं, क्या है आप, सुनिए देखा पंडित जी के बोल, अनपढ़ व्यक्ति के बोल क्या बताएं। ये रे पुरुष की मूर्ति, ये पृथ्वी चले, और वायु तेज आकाश तुही, तू ही
मेरा आत्म का प्रकाश तू ही, तेरा मेरा अब इस परमात्मा का इस प्रकृति का मेल देखियो के केवल आरक्षा पढ़ने अद्भुत कविता अद्भुत बोल कहाँ कहाँ Oh,
यहाँ गांव से हैं, 100 रुपए से बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। विचार करके देखो तारे कितने हो गए, जितने तारे है ना उतनी मारे पितर उमंग है उमंग। आप इन बुराइयों में फंसकर अपने पितर की उमंगों को मार लेते हैं, उस परमात्मा के चरणों में जाने का सबसे अच्छा साधन है मानव देह। इतनी ताकत है हमारे भीतर में, आराम इन सारी ताकत ने खत्म कर देते हैं। इन दुनियादारी के चक्कर में पता नहीं किस तरह के बेकार दिमाग पर गया, कितनी ताकत बताई मानस के भीतर में, क्या रखा है किसी बात में पड़ा। Yeah!
Whoa!